અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન નિતિન રાઉતનું નિવેદન સામે આવ્યું. નિતિન રાઉતે કહ્યું હતું કે બે દિવસથી કોંગ્રેસના ઉમેદવારો અને ધારાસભ્યોને સાંભળ્યા છે. હારના કારણે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં હતાશા છે. જો કે કોંગ્રેસને નવી રીતે બેઠી કરાશે. હારના કારણોનો રિપોર્ટ હાઈકમાન્ડને આપશે. નિતિન રાઉતે કહ્યું કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં प्रशासनिक तंत्रનો બેફામ ઉપયોગ થયો છે. ભાજપે સરકારી મશીનરીનો ઉપયોગ કરી હેરાન કર્યા હતા. તટસ્થ ચૂંટણી કરાવવાની જવાબદારી ચૂંટણી પંચની છે. हम इस चुनाव में पराभूत क्यों हुए और कैसे हुए और दूसरा उसमें क्या खामियां थी और आने वाले दिनों में हम संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस हार से उभर कर इसके बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए हमको कहा गया है और उसके तहत कल फर्स्ट राउंड हमारा हुआ, कल से शुरू. आज फर्स्ट राउंड का अंतिम दिन है. उसमें हम जो उम्मीदवार थे उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही है. सरकार के तंत्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो फेयर इलेक्शन कराए. इसकी भी भारी कमी महसूस की गई. ये वन ऑफ द कॉमन एरिया है जहां हमारे विधायकों ने और हमारे अहदेदारों ने बात की. और हम तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रताड़ना की जो पद्धति है वो हर जगह चलती है और गुजरात में भी चलती है. तो उन्होंने अपने प्रशासनिक तंत्र के द्वारा डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास किया है. यह भी एक